सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो आईपीएल 2022 का आयोजन करवाने के लिए बीसीसीआई ने प्लान बी तैयार कर लिया है। इस बार यूएई नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का प्लान तैयार किया है बीसीसीआई ने। इस वीडियो में आगे पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। जहां साल 2020 उसके बाद साल 2021 में कोविड-19 की वजह से आईपीएल को भारत के अलावा यूएई में करवाना पड़ा था, अब इस बार भी यही मजबूरी बीसीसीआई के सामने बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार साल 2022 को लेकर भी बुरी खबर आ रही है। बीसीसीआई के सामने बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जहां कोविड-19 की तीसरी लहर कहें या फिर ओमिक्रॉन भारत में इस समय काफी तेजी से बढ़ रहा है, और इसी वजह से बीसीसीआई ने प्लान बी तैयार किया है। जहां बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 का आयोजन करवाने के लिए जो प्लान ए तैयार किया था वो ये था कि पूरा का पूरा आईपीएल भारत में हो, लेकिन फिलहाल कोविड-19 के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी डर की वजह से बीसीसीआई ने प्लान बी तैयार कर लिया है। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट कि आखिर क्या है बीसीसीआई का प्लान भी आईपीएल का आयोजन करवाने के लिए। तो बीसीसीआई को अब भारत में आईपीएल कराना काफी मुश्किल लगने लगा है। जी हां, आईपीएल 2022 के आयोजन पर फिर आई एक नई रिपोर्ट से। कोरोना का सबसे ज्यादा असर आईपीएल पर पड़ रहा है और अब हर साल इस लीग के आयोजन को लेकर बीसीसीआई काफी परेशान रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए बीसीसीआई किसी भी तरह का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता है। इस बीच अब इस लीग को लेकर एक नई अपडेट्स आई है। बीसीसीआई को इस साल भी आईपीएल का आयोजन भारत से बाहर करवाना होगा। भारतीय बोर्ड ने पूरे आईपीएल का आयोजन यूएई में करवाया था, जो काफी ज्यादा सफल और बाय बबल में सुरक्षित तरीके से हुआ था। वहीं साल 2021 के आईपीएल की शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन उस समय कोरोना की दूसरी लहर देश में आ गई। साथ ही इस दौरान कई टीमों के खिलाड़ी भी इस वायरस की चपेट में आ गए, जिसके बाद इसे बीच में ही रद्द कर दिया गया था और बाद में इसका दूसरा फेज यूएई में पूरा हुआ था। अब आईपीएल 2022 के आयोजन पर फिर आई एक नई रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका बीसीसीआई का है बैकअप प्लान। अब साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, इन दोनों ही देशों को बीसीसीआई ने प्लान बी में डाला है आईपीएल के आयोजन के लिए। तो वहीं बीसीसीआई के पास एक और प्लान है आईपीएल को भारत में ही करवाने के लिए। दूसरी ओर अगर भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी रही तो भी बीसीसीआई के पास एक और प्लान है। इस नए प्लान के मुताबिक बोर्ड महाराष्ट्र में पूरे आईपीएल 2022 का आयोजन करवा सकता है, जिसके लिए महाराष्ट्र के तीन अलग मैदानों पर यह लीग खेली जा सकेगी। पहले दो वेन्यू वानखेड़े स्टेडियम और ब्राबोर्ने क्रिकेट स्टेडियम शामिल है, तो वहीं डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है इस लिस्ट में। लेकिन अभी तक सिर्फ आईपीएल के मेगा ऑक्शन को लेकर ही अपडेट्स आ पाई है, जिसके मुताबिक 12 और 13 फरवरी को इस मेगा ऑक्शन का आयोजन करवाया जाएगा। तो भारत में कोविड-19 के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से बीसीसीआई ने प्लान बी तैयार कर लिया है। प्लान बी ये है कि साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका, इन दो देशों में से किसी एक देश में आईपीएल का आयोजन करवाया जाएगा। अगर कोरोना काफी तेजी से बढ़ जाता है पूरे भारत में, स्थिति काफी खराब हो जाती है तब। लेकिन बीसीसीआई का जो प्लान ए है वो ये है कि पूरा का पूरा आईपीएल भारत में ही हो। अगर कोविड-19 के केसेस थोड़े बहुत बढ़ भी जाते हैं तब भी पूरा का पूरा आईपीएल भारत में ही करवाया जा सकता है। बायबल इन्वायरमेंट बनाकर सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र को चुनकर, क्योंकि मुंबई में तीन बड़े स्टेडियम हैं और इन तीन स्टेडियम में पूरा आईपीएल करवाया जा सकता है। लेकिन अगर 2020 और 21 की तरह इस बार भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आईपीएल 2022 भारत में नहीं हो पाएगा और इसी वजह से बीसीसीआई ने प्लान भी तैयार किया है। तो इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।